हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हक्से सिविल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे प्लिंथ बीम के बाद जो बेड कंक्रीट कैसे डाला जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी मिट्टी को बीच में स्टॉक करके रखा है। ईच ब्लॉक में हमें ऐसे स्टॉक करके रखना चाहिए ताकि जब प्लिंथ बीम का कंस्ट्रक्शन हो जाए तब हम आसानी से मिट्टी को खींच कर प्लिंथ बीम के लेवल तक ला सके। अगर मिट्टी सफिशिएंट ना हो तो हमें मिट्टी को बाहर स्टॉक करके लेबर की मदद से हमें मिट्टी को प्लिंथ बीम के अंदर भरना चाहिए, ऊपर प्लिंथ बीम के लेवल तक। मिट्टी भरने के बाद हमें 3-4 दिन के लिए कंटिन्यूसली पानी छोड़ना चाहिए ताकि वो जो मिट्टी हम भर चुके हैं वो प्रॉपर और पूरी तरह से अच्छे से सेटल हो सके। उसके बाद हमको सॉइल कॉम्पैक्टिंग मशीन के मदद से हमें पूरा जो सॉइल है उसको अच्छे तरह से कॉम्पैक्ट करना चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो सॉइल कॉम्पैक्टिंग मशीन जो डीजल के ऊपर काम करता है वो सॉइल को वाइब्रेट करके नीचे कॉम्पैक्ट करता है। तो कॉम्पैक्ट करने के बाद आपका जो प्लिंथ लेवल कुछ इस तरह दिखेगा। अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो कॉन्क्रीटिंग प्रोसेस है। सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स प्रॉपर प्रोपोर्शन में कॉन्क्रीट मिक्सिंग मशीन में मिक्स करके हमें कॉन्क्रीटिंग ऑफ बेड कॉन्क्रीट डालना चाहिए। और इस साइट पे हमने बोल्डर्स का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ये साइट के कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो मिक्सड कॉन्क्रीट है उसको हम ट्रॉली या कि हमारे लोकल लैंग्वेज में जो गाड़ा कहते हैं उसमें भर के लेके जा रहे हैं। और इधर जो बेड कंक्रीट है जो प्लिंथ बीम का वो हम अप्रोक्सीमेटली 4 इंचेस तक का 4 to 5 इंचेस तक थिकनेस का डाल रहे हैं। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। और वो जो पिंजरा की मदद से हमें वो कंक्रीट को थोड़ा खींचना चाहिए किधर कम और किधर ज़्यादा ना हो सके इसलिए। और उसके बाद में हमें कंक्रीट के ऊपर के सरफेस को स्मूथ करने के लिए ये हमारे इसमें दुमस की लकड़ी कहते हैं, ये स्टील का जो चैनल है उसके मदद से हमें सरफेस जो है प्लिंथ का वो स्मूथ करना चाहिए था। इधर हम स्लोप भी दे सकते हैं, कितना चाहिए उतना स्लोप भी दे सकते हैं। प्लिंथ बीम का बेड कंक्रीट पूरा ख़त्म होने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, हक से सिविल।